आता और आप लोग कई क्या होते हैं स्टार्टअप से बहुत बड़े बड़े मौके गवा गए और साथ ही साथ कई लोग तरक्की भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो तरक्की नहीं कर पा रहे कि उनके ग्रह दशा खराब चल रहा है या कुछ है, एक्चुअली वो दिमाग ही उनका ठीक से काम नहीं करता तो क्या तरक्की करते हैं। लेकिन दिमाग तो ठीक हो तो सबसे पहले आज की इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप थॉट से समझते क्या हो, क्या है वो थॉट, क्योंकि इस थॉट ने आपको भी कहीं ना कहीं मिटा दी है। आपके उम्र के लोग जहाँ बैंगलोर में हैदराबाद में विदेशों में काम कर रहे तो आप क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसा किसने हाथ पैर मेरी बांध के रखी आपके लिए। संविधान है, संविधान में तो सबको स्वतंत्रता थी, माता पिता भी आज सबके बहुत लिबरल हो चुके, वो भी माता पिता कहते हैं आगे बढ़ो मैं पैसा आपको दे रहा हूँ तो आप आभार क्यों नहीं पा रहे, कारण क्या है। एक डायलॉग है कि समय सबको 24 घंटे मिले, हाँ लेकिन बढ़ क्यों नहीं पा रहे, क्या दिक्कत है, आपके विचार आपके थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, आप सब अपने 90% दिमाग में गलत थॉट लेके चलते हैं। कुछ मैं प्रैक्टिकल आप लोग के सामने पेश भी कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी देखिएगा कि आप लोग ने रियलिटी में कितना समय गलत विचारों में बर्बाद कर दिया। आपके मन में जब लॉकडाउन जब लगे थे तो उस समय विचार आया था कि हम लोग सिर्फ गेम खेले और क्या करें, सिर्फ चैटिंग बाजी में समय बिता रहे, ठीक है, आपने वो भी 24 घंटे जो मिले थे जिसमें आप खुद पे काम कर सकते थे आपने सिर्फ क्या किया, गेमिंग चैटिंग और सारे फालतू कामों में वो समय निकाल दिया, ठीक है, वो समय दोबारा आया नहीं आया। डिग्री जब कॉलेज में आप कर रहे थे तो आपके टीचर्स तो आपको पढ़ा रहे थे, आपने डिग्री की जो पढ़ाई की आप लोग ने तो उस पढ़ाई से आप लोग ने कुछ ऐसा मीनिंगफुल निकाला नहीं जिससे आपकी रिटर्न वैल्यू बने, यानी आप समाज को 4 पैसे देने के लायक तो बन नहीं पा, उसका कारण क्या था, आपके दिमाग में तब भी गलत विचार चल रहे थे। हाँ कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, सारे मौज मस्ती की पढ़ाई नहीं की, समय निकाल दिया, देखो उस समय किसने आपको गलत किया, आपके गलत थॉट आपको उतार दिया। उसके बाद जब आप जॉब में उतरे तो जॉब में आपको ये चीज महसूस हो जाती है, जब आप जॉब में उतरते हो तो आप देखते हो कि आप और आपके फ्रेंड ने स्टार्ट किया, ठीक है, एक साल बाद आपका फ्रेंड जो था वो मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत बड़े पद में पहुंच गया और आप वहीं के वहीं बैठे रहे, कारण क्या था, फिर आपके थॉट यानी विचार आपके ठीक नहीं थे, आपके मन में कुछ ज्यादा अच्छे विचार आ नहीं रहे थे, आपने मेहनत नहीं की। वो मैं एक गलती मैंने बहुत अच्छे से देखी है कि जब आप अपनी लाइफ को सेट कर लेते हो तो वहां पे क्या मार्क खा जाते हो उसमें भी आपके विचार क्योंकि दिमाग में अच्छे नहीं आते तो आप लोग कई बार आगे नहीं बढ़ पाते और आपके रिश्तेदार देखकर कई लोग बहुत एक्टिव रहते, जैसे मामा चाचा इसलिए एक्टिव रहते क्योंकि विचार बहुत तेज थे, आपके विचार दिमाग में कुछ थे ही नहीं। तो आज हम लोग इस विचार की पावर को देखते हैं कि आखिर हम लोग मार कहां खा रहे हैं, क्या कारण है कि मेरे सामने जो जबलपुर के बच्चे बैठे इनको भी पता है कि मैं भोपाल वाले बच्चे आएंगे तो मैं मार खा जाऊंगा, इंदौर वाले बच्चे आएंगे तो मार खा जाऊंगा, नागपुर वाले बच्चों के सामने आपके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, जैसे सुना नागपुर से हो आपके मन में पहले ही विचार आ जाते कि मैं तुमसे सामने नहीं कर सकता। तो आज हम लोग इस थॉट प्रोसेस की चर्चा करने वाले हैं। हाँ तो आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा रिसर्च अपना जारी कर रहा हूँ जिसके साथ मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या आपको ये पता है कि आप लोग जब जॉब पे जाएंगे तो बॉस आपसे कितना डिमांड करेगा, जॉब करना है कि नहीं करना, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, इसी कारण से मेरे कई साथी आज बर्बादी के कारण कगार में खड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, दे आर अल्टीमेट टू डाई, वो सिर्फ जी रहे हैं, सिर्फ 4 रोटी कमा पा रहे, आगे कुछ नहीं कर पा रहे और यहाँ मैं संस्था का संचालक बन चुका, ठीक है, इसमें मुझे कोई घमंड नहीं है लेकिन मेरे से विचार थॉट प्रोसेस में लगता है इसलिए मैं आगे बढ़ा। जॉब क्या मांगता है 100%, और आप जब जॉब को ज्वाइन करेंगे तो आप जॉब में 50% ही दे पाते हो आप, ठीक है, एक छोटे शहर का अगर बालक बालिका जब जाते हैं ना तो वो जॉब में 50% शुरुआत करता है, कारण क्या है, हम छोटे शहर के जो बालक बालिका है ना हम लोग मुद्दों को अपने दिमाग में ज्यादा भर के रखते हैं, हमारे दिमाग में जॉब कल्चर नहीं, हमें मुद्दे घर में लड़के आएंगे वही दिमाग में चलता जाएगा, रास्ते में टकरा जाओगे दिन भर दिमाग में वही टकराएगा कि रास्ते में टकरा जाए, ठीक है, आपके फ्रेंड से कहा सुनी हो गई आपके दिमाग में क्या चलेगा वही चलेगा। तो अगर आप जॉब में 50% अगर आप दे रहे हो 50% हम मुद्दों को दे रहे हो तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे, सक्सेस हो पाओगे अभी आपसे किसी ने सुना ही नहीं, हो पाओगे, जॉब मांग रहे 100% तुम जॉब को 50% देते हो और अपने खुद की जिंदगी में 50% आप खोए रहते हो, कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो 90% अपनी जिंदगी
पे खोए रहते हैं, वो जॉब में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते, होता है ठीक है। और इस कारण से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जॉब में पिछड़ना चालू करते हैं, और जॉब में पिछड़ते पिछड़ते एक दिन ऐसा आपके सामने आ जाता है कि आपकी मात्र 5,000 रुपए तक मुश्किल से सैलरी होती है। कई लोगों को मैंने देखा जबकि उन्होंने पोटेंशियल थी 5 लाख की, वो 5,000, 6,000, 10,000 में सिमट गए और उम्र हो गई 40 साल। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा भाई, उम्र बीतने में समय नहीं लगती लेकिन क्योंकि आपने अपना दिमाग को ठीक नहीं किया था तो आप इंक्रीमेंट सैलरी भी नहीं कर पाए, और आप ही के बाजू वाला लड़का वो आज विदेश में जाके कमा रहा 40 साल की उम्र में, उसकी पैकेज है 10 लाख। तो उसने क्या किया, उसने मुद्दों से दिमाग को हटाकर सिर्फ जॉब और कैरियर में फोकस किया। मुद्दे सबके लाइफ में नहीं, मुद्दे कभी खत्म होंगे? किसी के घर में ऐसा हुआ कि किसी के घर में माँ बाप कभी बीमार नहीं पड़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ते हैं, किसी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या, मोहल्ले में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या, ठीक है, दवाई दारू से लेकर कई प्रकार की परेशानियां आपके दिमाग में आती है, लेकिन आप अगर मुद्दों को अपने ऊपर अगर हावी करेंगे तो क्या आप 100% दे पाओगे? आप खत्म हो जाओगे। और ये मैं आपको चीज बता दे रहा हूँ कि सबसे पहली सीन में आपको क्या कह रहा हूँ, आप 100% देना सीखो भाई। मैं क्लास में लेता हूँ तो मैंने क्लास में भी देखा 100% कोई नहीं देना चाहता, सब क्या अपने में कोई रहते, देखा है मैंने, आप चाहे विश्वास सर से बोले, चाहे मुझसे बोले, चाहे सचिन सर से बोले, हमने सब जगह देखा कि आप लोग अपने में खोए रहते हो, आप लोग मुद्दों में ज्यादा फंसे रहते हो। भैया 100% आपको वहां देना जहां से आपको पैसा कमाना है, तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस आपको क्या करना, 100% देने की आदत डालिए, जहां पे आप हो वहां पे आप 100% क्या करें अपना दीजिए, और कभी बहाने मत बनिए कि ये हो रहा वो हो रहा वो हो रहा, क्योंकि दुनिया में कोई सुखी नहीं है। एनीवन इज 100% हैप्पी? एनीवन इज 100% हैप्पी? लेकिन वो 100% देता तो है अपना भाई, ठीक है मेरे घर में प्रॉब्लम है, पर मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, प्रैक्टिकली अपने आप को 100% देना पड़ेगा, देना लेकिन पड़ता है क्योंकि आपको ध्यान रखना प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपसे ये कहा थॉट प्रोसेस में कि आप क्या करें, मुद्दों को क्या करें, कट करें, तो पॉइंट भी लिखते चलिए। थॉट प्रोसेस में पहला मुद्दों को हल करिए, मुद्दों को खत्म करिए, मुद्दे लेके आप कभी जॉब बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं भी बिजनेस जॉब में अगर मुद्दे लेके बैठ जाऊँ ना तो हो गया विस्तार का,